नमस्कार, मैं सुमन घोष और आप देख रहे हैं न्यूज साइट। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के डिलाइट डायमंड्स में, जहाँ धोखा मूवी का प्रेस शो चल रहा है। तो चलिए जानते हैं जनता से उनको ये मूवी कैसी लगी। सर, आपको मूवी कैसी लगी? ठीक ठाक है, बैड नहीं है, ठीक लगी। क्राइम है, सस्पेंस है, लोगों को ध्यान रहेगा, आखिर तक लोग देखना चाहेंगे कि क्या होने वाला है। वन टाइम वॉच है और सस्पेंस मूवी है, आप आराम से एक बार फिल्म को देख सकते हो। अच्छी थी मूवी, और बेहतर उस पर कहानी पे काम किया जा सकता था। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, अच्छी लगी मूवी, अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की वाहियात पिक्चर है, अल्टीमेट लेवल की वाहियात। बहुत अच्छी मूवी है और पूरा सस्पेंस बना के रखा था, जैसे मूवी का नाम है धोखा, वैसे ही सभी जो इसके स्टार लोग हैं धोखा देने में कामयाब रहे हैं, और ऑडियंस को जाकर ये सिनेमाघरों में देखना चाहिए। मूवी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा काम लगा मुझे पार्श्वति खुराना का, और स्पेशली इसका डेब्यू हुआ है फिल्म के अंदर खुशाली कुमार का। आई एम टोटली इम्प्रेस, क्योंकि जिस तरह मैं मूवी को देखने आया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो फिल्म है इतनी अच्छी होगी, कॉमेडी वाइज, थ्रिलर वाइज, क्राइम वाइज एंड जो स्टोरी टेलिंग है, बट फिल्म इज ऑन इंटरेस्टिंग है, वट एवर इट इज़ लाइक स्टोरीज स्पिन अराउंड, सो गुड। फिल्म बहुत बकवास है, क्योंकि एक तो स्टोरी इसमें जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है उसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया। आप आधी फिल्म देखोगे, आधी फिल्म के अंदर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें मेन कल्प्रेट कौन है, और देखा जाए तो चलिए तो थ्रिल, मतलब इसका सस्पेंस खोलने वाली बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती थी। आर माधवन जैसे एक्टर है, पार्श्वति खुराना जैसे एक्टर्स हैं, तो कुछ और बेटर कर सकते थे इस फिल्म के साथ। धोखा पिक्चर अभी हमने देखी, धोखा पिक्चर एवरेज लगी मेरे को। फर्स्ट हाफ बोरिंग लगा, सेकंड हाफ के 15-20 मिनट ठीक हैं, लास्ट के। मूवी मैम बिल्कुल उसके टाइटल को जस्टिफाई करती है, धोखा ही दे दिया। अच्छी खासी ये फिल्म थी, उतनी भी एंटरटेनिंग नहीं थी, बहुत कंफ्यूजिंग थी। हाँ, एंड है थोड़ा सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगर ये वेब सीरीज के फॉर्म में होती तो फिल्म ज़्यादा पसंद की जाती। जब आर माधवन की मूवी आती है तो लोगों को बहुत उम्मीदें होती है, तो वो खड़े उतरे हैं? नहीं, जिस तरह से रॉकेटरी फिल्म उनकी आई थी, मैं खुद पर्सनली उनकी फ़ैन हो गई थी, लेकिन उस परफॉर्मेंस के मुकाबले ये परफॉर्मेंस बहुत ही ढीली लगी है। नो, ये आपकी गलत फहमी है, आर माधवन की मूवी नहीं है ये खुशाली कुमार की मूवी है। खुशाली कुमार जो कि डेब्यू कर रही हैं, जो कि टी सीरीज की खानदान की लड़की है, डेब्यू हो रहा है उनका, तो ये उन्हीं की मूवी है। एंड जोक्स अपार्ट, सीरियसली आउट ऑफ द फोर अगर किसी की एक्टिंग ने मुझे इम्प्रेस किया तो भाई वो खुशहाली है। एक्सप्रेशन अच्छे हैं, दिखने में सही लगती है, उसके ऊपर से फिर जो उनको जिस किस्म का किरदार है साइको वाला, कभी विलन दिखना है कभी अच्छी दिखना है, वो भाई उसने बहुत सही तरीके से प्ले किया, सो आई रियली लव्ड हर एक्टिंग। रॉकेटरी मूवी जो उनकी पिछली आई थी, तो वो मेरे हिसाब से इस साल की बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में गिनी जाएगी, क्योंकि 3-4 साल की मेहनत उन्होंने करी है। बट जब आप इस मूवी को देखते हैं तो फर्स्ट हाफ को तो लग रहा है कि 2-3 दिन में इसकी शूटिंग हो गई है, क्योंकि गेटअप सारे वही हैं और लग रहा है कि एक ही दिन की कहानी चलती जा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट डाउन किया उन्होंने इस मूवी में। इससे पहले नम्बी नारायण मूवी देखिए, उसके अंदर कितना अच्छा काम इन्होंने किया, वो स्टोरी भी अच्छी थी, बायोपिक थी, लेकिन वहीं उसके बाद ये फिल्म लेने की कहीं ना कहीं उनकी समझ पे शक हो रहा है कि उन्होंने क्या सोच कर ये मूवी ले ली, जबकि वो बहुत अच्छी, कभी आप देखेंगे तो इससे पहले भी कहीं अच्छी अच्छी फिल्म्स उन्होंने काम की, और काफ़ी लाइन से हट के वो मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन ये उसके हिसाब से कहीं भी नहीं खरी उतरती है। इट्स ओके, लाइक इट्स आई डोंट नो हाउ मच कमर्शियल ही सक्सेस, बट आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, एंड ही इज मेड इट काइंड ऑफ अ थ्रिलर, बिकॉज देयर इज अ यू नो डबल काइंड ऑफ लव स्टोरी वीव्ड इन, वो ठीक है, आई थिंक गुड। लोगों के लिए मे भी वो खड़े उतरे हैं, बट अगर मैं अपना एडवाइस आपको दूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना मुझे इम्प्रेस कर पाया हूँ। मुझे पर्सनली पूरा सस्पेंस क्रिएट करने में आर माधवन एकदम सक्सेस रहे हैं। पहले तो मैं आपका जो भ्रम है ना वो निकाल देता हूँ, ये आर माधवन की मूवी नहीं है। आर माधवन इसमें है, लेकिन ये आर माधवन की मूवी नहीं है। आर माधवन की मूवी थी रॉकेटरी, ये आर माधवन की नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर माधवन ने ये मूवी इसलिए करी क्योंकि रॉकेटरी में पैसा नहीं कमा पाई, ही रैन आउट ऑफ कैश, सो ही डिड दिस मूवी टू अर्न कैश, सो आई एम सॉरी, यू नो आई लव आर माधवन, बट दैट्स माय ओपिनियन। ये डिफरेंट है एकदम, आर माधवन भी तो डिफरेंट है, अपार शक्ति ने जबरदस्त काम किया। इतने नहीं, शायद बहुत छोड़ दिया आदमा, एक कहानी को एक अच्छा
एंड किया जा सकता था, वो एंड इतना बेहतर नहीं कर पाए। आर माधवन का रोल मतलब मेन लीड रोल में नहीं थे, नेगेटिव रोल में थे, तो आप कह सकते हैं कि आर माधवन से जो एक्सपेक्टेशन है वो सोसो है, बट ओवरऑल मूवी आप एक बार देख सकते हैं। एक तरह की फिल्म है जिसमें कहानी काल्पनिक सी लगती है, कहानी जो है काल्पनिक सी है लेकिन धोखा है, धोखा तो सब पैटर्न्स को जो दर्शनार्थी हैं वो भी धोखा खा रहे हैं, बनाने वाला भी धोखा दे रहा है। खुशाली कुमार को लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई गई है और अच्छी तरह से ठीक ठाक लॉन्च किया है। तो आप आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग देंगे? 2.5 फोर देना चाहूँगा। आउट ऑफ 4 पाँच में से 4 मैं फिल्म को दूंगा तो आउट ऑफ 3.5 2.5 स्टार्स 2 स्टार थैंक यू मैम। ये थे जनता के रिव्यू और इस मूवी ने अपने टाइटल की तरह धोखा दिया है। इस मूवी का एवरेज रेटिंग 3 है और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी जब आप इस मूवी को देखेंगे तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे के तमाम प्रेस शो और प्रेस रिव्यू के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।